ताजनगरी में शीतलहर का प्रकोप जारी है। तीन दिनों से तापमान काफी नीचे गिर गया है। दिन के समय धूप खिलने के बाद भी गलन भरी सर्दी का प्रकोप जारी है। मौसम विभाग का कहना है कि अब शीतलहर का सितम कुछ दिन ऐसा ही चलेगा। शीतलहर का प्रकोप ताजनगरी के पटल पर जारी है। सर्दी पड़ने से लोगों की हालत खराब हो गई है। बुधवार को आसमान में बादलों की आवक से और भी ज्यादा ठिठुरन बढ़ गई। लोगों को धूप सेकते हुए देखा गया। दिन में और रात में ठंडी हवा चलने से लोगों की कपकपी छूट रही है। ताजनगरी का पारा पिछले दो दिनों में 2.4 डिग्री सेल्सियस गिरा हुआ दर्ज किया गया है। मौसम विभाग का कहना है कि अब पारा और भी नीचे जाएगा। क्रिसमस के आसपास मौसम काफी ठंड में बदल जाता है। क्रिसमस के दिन कई बार बारिश भी हो चुकी है। हालांकि गुरुवार को सुबह के समय धूप निकलने से लोगों को गलन भरी सर्दी से थोड़ी राहत मिली। अधिकतम तापमान पहली बार सामान्य से 2 डिग्री से कम रिकॉर्ड किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान भी सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस कम होकर 805 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। विनोद जूनियर, सी न्यूज, आगरा।